नमस्कार दोस्तों, तो iQOO 12 ऑफिशियली आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 बोले एक प्रॉपर वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और प्राइस कितना है इस जगह पे आप देख सकते हैं। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया था कि अभी इस प्राइस पॉइंट में iQOO 12 वाला स्मार्टफोन लेना सही होगा या फिर एग्जैक्टली जनवरी के 12 तारीख को इंडिया पे जो लॉन्च होने वाला है OnePlus 12 वो वाला स्मार्टफोन लेना बेटर होगा, क्योंकि दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम और प्राइस भी होगा ऑलमोस्ट सेम। इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में iQOO 12 बेटर है या फिर OnePlus 12 बेटर है। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं OnePlus 12 दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है और ये फोन रिसेंटली चाइना पे लॉन्च हुआ है, और जो iQOO 12 वो दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है। ये फोन इंडिया पे चाइना पे दोनों जगह पे लॉन्च हुआ है। तो पहले तो हम बात करेंगे दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो iQOO और जो OnePlus दोनों के पीछे आपको मिलेगा ग्लास कवर। OnePlus के पीछे का जो ग्लास वो एक्चुअली गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड है, लेकिन iQOO के पीछे का जो ग्लास वो नॉर्मल किसी ब्रांड की तरफ से ग्लास है। OnePlus का थिकनेस है 9.2 मिलीमीटर और वेट है 220 ग्राम। iQOO का थिकनेस है 8.4 मिलीमीटर और वेट है 203 ग्राम। OnePlus 12 आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर। iQOO आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, ब्लैक और व्हाइट। तो अगर हम दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इधर आपको दोनों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस मिलेगा। पहली बात तो OnePlus पे आपको मिलेगा 6.82 इंच 2K 10 बीट 120 हर्ज LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 4500 निट्स का ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास विक्टर जेनरेशन 2 डिस्प्ले प्रोटेक्शन, HDR10+, डॉल्बी विजन दोनों का सर्टिफिकेशन, और जो सबसे मेन चीज इसका जो डिस्प्ले वो एक्चुअली एक कर्व डिस्प्ले, उसके साथ 93 से लेकर 94% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। उसी जगह पे iQOO पे आपको मिलेगा 6.78 इंच 1.5K 10 बीट 144 हर्ट्ज LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 3000 निट्स का ब्राइटनेस, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन, HDR10+ का सर्टिफिकेशन। इसका जो डिस्प्ले पैनल वो आपको मिलेगा फ्लैट पैनल, और उसके साथ 92 से लेकर 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो इसलिए इधर अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूँ तो नो डाउट डिस्प्ले के मामले में OnePlus होगा बेटर, क्योंकि इसमें आपको बेटर रेजोल्यूशन, बिगर डिस्प्ले, ज्यादा ब्राइटनेस, बेटर क्वालिटी डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, बेटर क्वालिटी मतलब कार्ड पैनल, और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के सीपीयू के बारे में। तो दोनों भी आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर। अभी OnePlus के साथ आपको किस टाइप का कूलिंग सिस्टम मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब एक कूलिंग सिस्टम तो मिलेगा लेकिन कौन से टाइप का है इसके बारे में OnePlus की तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। उसी जगह पे iQOO पे आपको मिलेगा iQOO की तरफ से आने वाले कूलिंग सिस्टम, लेकिन उसमें भी आपको क्या टाइप मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। तो OnePlus पे आपको मिलेगा 50, 64 और 48 का रियर कैमरा, साथ में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। अभी जो 50 मेगापिक्सल सेंसर वो एक्चुअली है Sony Lytia LYT 808 वाला सेंसर, उसके साथ जो 64 मेगापिक्सल वो एक्चुअली एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, और जो थर्ड 48 मेगापिक्सल कैमरा वो होगा अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर। उसी जगह पे iQOO पे आपको मिलेगा 50, 64 और 50 का रियर कैमरा, साथ में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसका जो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा वो एक्चुअली ओमनीविजन कंपनी की तरफ से आने वाला OV50H वाला सेंसर। जो सेकेंडरी जो सेंसर 64 मेगापिक्सल वो OnePlus के जैसा ही पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, और जो थर्ड 50 मेगापिक्सल कैमरा वो एक अल्ट्रावाइड वाला कैमरा है। और इधर दोनों ही फोन के कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS EIS दोनों का ऑप्शन। तो अगर हम दोनों की वीडियोग्राफी के बारे में बात करें, तो जो OnePlus इसके रियर कैमरे के साथ हम 8K 24fps 4K 60fps क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और इसका जो वीडियो आउटपुट वो डॉल्बी विजन मोड पे होगा। इसका मतलब इसका जो वीडियो में कलर आपको बाकी फोन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। उसी जगह पे जो iQOO उसमें भी मिलेगा 8K 30fps और 4K 60fps पे वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन, लेकिन इसके कैमरे के साथ आपको डॉल्बी विजन वाला आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें, OnePlus के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम 4K 30fps पे वीडियोग्राफी का ऑप्शन, लेकिन उसी जगह पे iQOO 12 का जो फ्रंट कैमरा उसमें भी मिलेगा मैक्सिमम फुल HD 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। और दोनों का जो फ्रंट कैमरा उसके साथ आपको मिलेगा EIS का ऑप्शन। और इसके अलावा अगर हम दोनों के सेंसर के बारे में बात करें, जो OnePlus उसका जो 50 मेगापिक्सल सेंसर वो एक्चुअली है 1x1.4 इंच वाला सेंसर, और इसका माइक्रोन साइज है 1.12। उसी जगह पे iQOO पे आपको मिलेगा 1x1.3 इंच का कैमरा सेंसर,
और उसका माइक्रोन साइज है 1.2 माइक्रोन। तो मतलब देखिए इधर अगर मैं ओवरऑल बेटर क्वालिटी कैमरे के बारे में बताऊं तो इस वाले में मुझे वन प्लस थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि पहली बात तो इसका जो कैमरा सेंसर वो सोनी की तरफ से, और सोनी का जो कैमरा सेंसर जनरली बाकी के मुकाबले बेटर रहता है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा उसमें आपको 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग करने को मिलेगा जो कि आईक्यू पे मिसिंग है, और इसमें आपको हेजलबर्ट की तरफ से कलर करेक्शन का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसीलिए कैमरे के मामले में मैं इधर नो डाउट वन प्लस को ज्यादा प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट अगर दोनों की वेरिएंट के बारे में बात करें, दोनों ही फोन में आपको बहुत सारे रैम और स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग होगा 12 256 GB से। दोनों भी आपको मिलेगा LPDDR5X और UFS 4.0, और ऑब्वियसली कोई भी SD कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर बैटरी के बारे में बात करें, वन प्लस में आपको मिलेगा 5400mAh बैटरी, उसके साथ 100W का वाट चार्जिंग, 50W का वायरलेस चार्जिंग और USB Type-C का कनेक्टिविटी। उसी जगह पे आईक्यू पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 120W का वायर्ड चार्जिंग, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अभी इसका जो USB Type-C उसके अंदर भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, जो वन प्लस उसके अंदर का जो USB Type-C उसका जनरेशन है 3.2, मतलब इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट वो बहुत ही ज्यादा है कम्पेयर टू आईक्यू, क्योंकि आईक्यू पे आपको मिलेगा 2.0 वाला USB Type-C। तो इसका मतलब इस बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे इधर भी है वन प्लस बेटर। और अगर हम फाइनली दोनों कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करें, तो दोनों भी आपको मिलेगा एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, NFC, डुअल स्पीकर, कोई भी 3.5 जैक नहीं। वन प्लस में आपको मिलेगा IP65 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, आईक्यू पे आपको मिलेगा IP64 का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। तो अब बट इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में दोनों में से कौन सा होगा सबसे बेटर, ये नेक्स्ट साल देखने वाला आपका सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते, अगर आप इस प्राइस पॉइंट में अपकमिंग वन प्लस 12 के साथ जाना चाहेंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, क्योंकि ऑब्वियसली 2K वाला कार्ड डिस्प्ले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेटर डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन मिलेगा कम्पेयर टू आईक्यू। बेटर क्वालिटी कैमरा सेटअप, क्योंकि रियर कैमरा का जो सेंसर वो आईक्यू के मुकाबले बेटर है, और यहाँ तक जो फ्रंट कैमरा उसमें आपको मिलेगा 4K क्वालिटी में वीडियोग्राफी का ऑप्शन, बिगर बैटरी जिसके साथ आपको वायरलेस चार्जिंग और बेटर क्वालिटी डेटा ट्रांसफर रेट भी मिलेगा, और साथ में बेटर चार्जिंग फीचर। लेकिन उसी जगह पे अगर हम आईक्यू के बारे में बात करें, आपको वन प्लस के मुकाबले 5000 रुपए सस्ते में मिलेगा। तो इसलिए देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज करना चाहूंगा, दोनों ही फोन अपने अपने जगह पे ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप आज के दिन में 55,000 रुपए से एक फोन के ऊपर खर्चा कर रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना जो बजट वो 5000 रुपए इंक्रीज कीजिए, और अगले महीने 12 तारीख को जो लॉन्च होने वाला है वन प्लस 12 उसे लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बड़ा स्मार्टफोन इस आईक्यू 12 के मुकाबले डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत ही बढ़िया होगा। और ये चीज ध्यान में रखना, वन प्लस आई एक्चुअली इंडियन मार्केट का कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट देगा और बग फ्री स्मार्टफोन एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि आप ही दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर कौन से वाला फोन आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कॉन्सेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।